डेटा को स्टडी करना चाहिए और साथ ही साथ टाइमली एक्शन करना चाहिए, तभी हमारी जो क्यूसी है वो इफेक्टिव होगी। दूसरी चीज है कि देर आर टू बेसिकली स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, वन इज सिंपल स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, अदर इज एडवांस स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। इन स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स सिंपल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज सीवी एटसेट्रा इज देयर। नाउ व्हाट इज एसडी? एसडी इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द नंबर फ्रॉम एवरेज। नाउ इन एडवांस स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ मीन्स। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम बीटेक डिप्लोमा या कोई भी हमें रिसर्च प्रोजेक्ट देनी होती है तो उसमें हमें स्टेटिस्टिकली देखना पड़ता है कि ये जो डिफरेंस है वो स्टेटिस्टिकल है, वेदर दिस इज अ कोरिलेशन बिटवीन दिस और नॉट, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता लगती है जब हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं पीएचडी में। बट ये अगर हम अपनी नॉर्मल उसमें भी रखेंगे क्वालिटी कंट्रोल में तो देन इट विल बी गुड। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज? आपने देखा होगा ज्यादातर हम कंपनीज के अंदर डेटा आता है एवरेज, देखिए हाँ भाई 30 काउंट है, 29.7 आ रहा है, इट्स ओके। नो दोस्तों, एवरेज जो डेटा होता है इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। और क्या है ये? प्रोडक्ट को नहीं बताता जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, ये क्वालिटी के बारे में नहीं डिपेक्ट करता, ये वेरिएशंस का नहीं बताता कि इसके अंदर वेरिएशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अब फॉर एग्जांपल 30 काउंट है, मीन 29.7 आई और कई वीक्स तक आ रही है। अब इसे देख के हम कहते हैं कि भाई डिफरेंस क्या अकाउंट में, 0.3 का तो डिफरेंस आ रहा है, बट व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.6, तो 0.6 का मतलब है तो टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं एक्स बार प्लस 1 सिग्मा है, तो इसका मतलब 68% यार्न जो बनेगा वो 29.7 प्लस माइनस 0.6 रेंज में होगा। अगर 100% यार्न हमें क्वालिटी के चाह रहा है तो एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, तो हमारा जो वेरिएशन है वो 27.9 से 31.5 के बीच में आना चाहिए। और कोई भी यार्न अगर 27.9 से 31.1 से बाहर बनता है तो इसका मतलब मेरी वेरिएशन लार्ज है। तो कंक्लूजन क्या निकले पे निकलता है कि जब तक हम एवरेज फ्रेंड्स कैलकुलेट कर रहे थे तब तक हमें यह था कि भाई हमारी जो इंफॉर्मेशन थी लिमिटेड थी, पर जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेना चालू किया, कॉन्फिडेंस लिमिट बनानी चालू करी, अपर क्वालिटी दी और लोअर क्वालिटी दी, तब हमें यह पता चला कि हमारा जो है प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं। अब मैं आपको थर्ड इस तरफ ले जा रहा हूं, अगर दो मशीन आपके पास है वो एक धागा बना रही है जिसकी 90 पाउंड ली स्ट्रेंथ है, तो मशीन ए और बी के बीच में मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा, भाई दोनों ही तो जो है 90 पाउंड दे रही है। मगर इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज 8 पाउंड, बी इज 20 पाउंड, तो दोस्तों एक चीज मुझे ये पता लग जाती है इससे कि बी हैज मोर वेरिएशन देन ए, क्योंकि व्हाट इज सीवी? सीवी इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। जितना ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना हमारा जो है क्या हुआ, वेरिएशन ज्यादा है मटीरियल में। अब देखने में दोनों 90 पाउंड्स दे रही थी स्ट्रेंथ, पर जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, सीवी से कंपैरिजन किया था, हमें पता लगा बोला यस दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब दोस्तों ज्यादातर मैं जब रिपोर्ट्स चेक करने या जाता हूँ एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर, जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता हूँ तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाई ये आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ये कैसे निकाला? तो
आज इसका आंसर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फर्क है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर लार्ज सैंपल है तो वेयर सैंपल साइज इज 40 और 50, इसे हम लार्ज सैंपल कहते हैं, और स्मॉल सैंपल जो है उसे हम कहते हैं लेस देन 40 और 50। लार्ज सैंपल के अंदर ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हुए ये एन यूज होता है, और जब मैं स्मॉल सैंपल होता है वहां पे एन माइनस वन, एन इज द नंबर ऑफ सैंपल यू आर टेकिंग। तो लार्ज में ये एन आएगा और एन माइनस वन आएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कब हमें स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालते हुए एन यूज करना है और कब हमें एन माइनस वन दे रहा है। तो दोस्तों आज हमने कुछ चीजें आज नोट करी हैं। पहली चीज कि सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होती हैं। दूसरा, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल का क्या डिफरेंस होता है जब हम स्टेटिस्टिक्स को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। माय मैसेज इज स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, स्टे होम, और साथ ही साथ जो आरोग्य ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। दीज आर द थ्री फोर टेक्निक्स। फर्स्ट इज यूज मास्क, सेकेंड इज हैंड वॉश, थर्ड इज सोशल डिस्टेंसिंग, एंड फोर्थ वन इज अप्लाई जो ऐप है आरोग्य ऐप, इसे आप अप्लाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।